हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेथड के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो, यानी पेन ड्राइव से बूट करा सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिख रहा हूँ। वो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ विस्ता, विंडोज़ 7, विंडोज 8, ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन सर्वर 2008, सर्वर 2008 R2, सर्वर 2012। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप इन मेथड के थ्रू बूट करा सकते हैं, यानी अगर आपको पेन ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो एक सिंगल मेथड से आप इतने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे एक पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं विदाउट किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के, यानी किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और कमांड प्रॉम्प्ट पर राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कमांड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये कमांड एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेज से ओपन हो गई है। यहाँ पर आप डिस्क पार्ट कमांड चलाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, देन नेक्स्ट कमांड चलाएंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने से पहले आप चला लेंगे डिस्क लिस्ट, डिस्क लिस्ट स्पेस डिस्क, इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिस्क स्पेस 0, डिस्क स्पेस 1। डिस्क जो 0 है उसका साइज यहाँ शो कर रहा है 465 GB। दैट मीन्स कि ये जो 500 के आसपास की जो हार्ड डिस्क है वो इस सिस्टम की हार्ड डिस्क है। तो सिस्टम की हार्ड डिस्क तो हमें बूटेबल बनाना नहीं है। उसके नीचे आप देख सकते हैं डिस्क 1 ऑनलाइन शो कर रहा है और 38,000 दिखा रहा है। तो ये हमारी पेन ड्राइव है, इसी को हमें बूटेबल बनाना है, इसीलिए इसको हमें सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट स्पेस डिस्क स्पेस 1 करेंगे, सेलेक्ट हो गई डिस्क। अब डिस्क को हमें क्या करना है, अगली कमांड हमें चलाना है क्लीन। क्लीन करते हैं, इसकी जितनी भी पहले की कॉन्फ़िगरेशन है वो सब रीसेट हो गई हैं, यानी इसमें कुछ भी नहीं है, ना पार्टीशन भी नहीं है। अब हमें एक पार्टीशन क्रिएट करना है, तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए टाइप करेंगे क्रिएट स्पेस पार्टीशन स्पेस प्राइमरी, देन एंटर प्रेस करेंगे। इस तरीके से एक पार्टीशन हमारा प्राइमरी क्रिएट हो गया है। प्राइमरी पार्टीशन इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि जब भी पार्टीशन बूट करता है या बूटेबल फाइल्स जो भी होती हैं वो सब प्राइमरी पार्टीशन में होती हैं, इसीलिए पेन ड्राइव में प्राइमरी पार्टीशन बनाना पड़ता है। देन नेक्स्ट कमांड हम एक्टिव कर सकते हैं, पार्टीशन एक्टिव होगा, देन पेन ड्राइव को हम फॉर्मेट करेंगे। तो इस फॉर्मेट करके एंटर भी कर सकते हो, पर एंटर करोगे तो बहुत टाइम लेगा, इसलिए अगर आप इसको क्विकली फॉर्मेट करना चाहते हो तो लिखोगे फॉर्मेट स्पेस क्विक, एंटर प्रेस कर दोगे तो ये बहुत जल्दी फॉर्मेट हो जाएगी पेन ड्राइव। नाउ अब आप एग्जिट कर सकते हैं डिस्क पार्ट से, दो बार एग्जिट कर सकते हैं। अब मैं कंप्यूटर ओपन कर रहा हूँ, ये हमारी पेन ड्राइव है। तो ये आप जो देख रहे हैं 3-4 GB की जो पेन ड्राइव है ये एक्चुअली बूटेबल बन चुकी है। ये पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है। इसको अगर आपको क्या करना है कि इस बूटेबल बन चुकी है, अब इसके अंदर अगर आप विंडो 7 का कंटेंट डाल देंगे तो विंडोज 7 की बूटेबल बन जाएगी। इसके अंदर अगर विंडोज विस्ता का कंटेंट डाल देंगे तो ये विंडो विस्ता की DVD बन जाएगी, बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको विंडोज 7 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसमें विंडोज 7 का जो कंटेंट है हमारे पास उसको इसके अंदर कॉपी करता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक DVD डालता हूँ विंडो 7 की बूटेबल DVD इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ। कंप्यूटर ओपन करेंगे, ये मैंने विंडो 7 की DVD डाली है। इस विंडो 7 की DVD पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। ये जितना आप कंटेंट देख रहे हैं विंडो 7 का सारा कंटेंट आप सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे। कॉपी करके ये पेन ड्राइव देख रहे हैं इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ये पूरा का पूरा 3.47 GB का जो कंटेंट है
ये सारा का सारा पेन ड्राइव के अंदर आप क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ये पेस्ट हो जाएगा वैसे ही आप पेन ड्राइव को एग्ज़िट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नॉर्मली एग्ज़िट करिएगा सेफली, यहाँ से राइट क्लिक करके एग्ज़िट ऑप्शन है, एग्ज़िट करिएगा। उसके बाद जिस किसी सिस्टम में आपको बूट करना है उसमें लगाइए और बायोस से जाके फर्स्ट बूट डिवाइस आप पेन ड्राइव सेलेक्ट करिए या यूएसबी एचडीडी सेलेक्ट करिए, वहाँ से आप पेन ड्राइव से सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मेथड आपका कि कैसे किसी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं विंडोज 7 के लिए, विंडोज विस्ता के लिए, विंडोज 8 के लिए और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज सर्वर 2008 के लिए, 2008 R2 के लिए, 2012 के लिए। सो